हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, जो आपके FAA के सिलेबस में टॉपिक है। एंड आल्सो आप में से किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि जो VLW का सिलेबस है उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है उस पर भी हमें MCQ चाहिए, तो ऑफ कोर्स इस पर भी मैं बहुत जल्दी MCQ का सेट लेके आऊँगा। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इन गिवन पर्सनैलिटीज में से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? दैट इज एडम स्मिथ। सो राइट आंसर इज बी। अब जो अल्फर्ड मार्शल है, उन्हों की बेसिकली इकोनॉमिक्स के दो मैन ब्रांचेस हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जो अल्फर्ड मार्शल है, इसे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एंड जैम कैनीज को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एंड जो प्रोफेसर अल्फर्ड अमर्त्या सेन है, बेसिकली ये फर्स्ट एशियन इकोनॉमिस्ट है जिन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था एंड 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल। अब इन गिवन इकोनॉमीज में से किस इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होती है, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम कंजप्शन की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये फुल्ली किसके कंट्रोल में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो इस इकोनॉमी को हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। सो राइट आंसर इज डी। एंड कमांड इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी। नाउ अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ है इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन लाइन में। पहले होते हैं हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं एक कंट्री में, इनको सब कुछ विद इन द बाउंड्रीज मिलता है। यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में एक इकोनॉमी को या एक कंट्री को कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं होता है अदर कंट्रीज से, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लोज ओपन इकोनॉमी की, अब ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक कंट्री है इसकी ट्रेड रिलेशंस होते हैं अदर कंट्रीज से। नौ, अब हम फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे। अब फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम कंजप्शन की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये फुल्ली किसके कंट्रोल में होता है? ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होते हैं। मार्केट फोर्स यानी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होते हैं, यानी जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उसी चीज़ की यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। एंड जो मेन मोटिव होता है इस फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। एंड वी आल्सो नो कि ये कहा जाता है कि जो रोबोट्स हैं, जब रोबोट्स जो है वो टेक ओवर करेंगे तो वो ह्यूमन्स को जॉबलेस करेंगे, पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? जिस भी कंट्री में ये फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी प्रिवेल करती है वहाँ पे उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग जॉबलेस हो जाएंगे। एंड ये फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी किन कंट्रीज़ में है? वो UAE में है, सिंगापुर में है। एंड इस फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। नाउ अब लास्ट वन इज़ मिक्सड इकोनॉमी। अब मिक्सड इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे दोनों यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनको ये दोनों कंट्रोल करते हैं। एंड यहाँ का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लस सोशल वेलफेयर भी होता है। एंड इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इंडिया जो है यहाँ पे मिक्सड इकोनॉमी है, USA में मिक्सड इकोनॉमी है, चाइना में मिक्सड इकोनॉमी है एंड ऑल। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट कौन करता है और इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट कौन है? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। अब जो फर्स्ट हमारा इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन में हम जनरल प्राइस राइज देखते हैं, सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। नेशनल इनकम यानी GDP, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। सो राइट आंसर इज इनकम फ्रॉम द रेलवे। जब हम एक पर्टिकुलर सेक्टर का इनकम देखेंगे सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन फोर, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म स्कैर्सिटी। अब इनमें से टर्म स्कैर्सिटी को कौन अच्छे से डिफाइन करता है? वी नो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एंड आल्सो इट इज़ अ फैक्ट कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अगर ह्यूमन वांट्स अगर हम एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको भी वेब सीरीज़ देखनी है कोई, या कोई मैच देखना है, या कोई मूवी देखनी है, या आपको ये देखना है कि एपटेक ने और कहाँ कहाँ पे स्कैम किया है, या आप अभी सर्च करोगे कि JKSSB ने कौन सी नई नोटिफिकेशन आउट की है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा,
या आपको पढ़ाई भी करनी है तो ये आपके पास अनलिमिटेड वांट्स है। अब जो रिसोर्सेज आपके पास है, यहाँ पे आपका रिसोर्स है टाइम, तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, वो आपके पास स्केयर है। अब आपको इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, यानी इनमें से आपको देखना कि मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो आप चूज़ करोगे। दैट्स व्हाई चॉइस जो है वो भी है फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वो अराइज होते हैं कैसे, क्यों अराइज होती है चॉइस, दैट ड्यू टू स्कैर्सिटी। तो अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ पढ़ाई। तो आप अभी पढ़ाई करोगे। अब स्कैर्सिटी में हम क्या करते हैं, स्कैर्सिटी में क्या होता है, स्कैर्सिटी में होता है जब डिमांड जो है जब वो एक्सीड करेगी, जब वो ग्रेटर होगी सप्लाई से, देन वी कॉल देयर इज़ अ स्कैर्सिटी इन द मार्केट। सो स्कैर्सिटी में क्या होता है, डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड्स द सप्लाई। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 5, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द कंज्यूमर्स गेट एवरीथिंग विद इन द इकोनॉमिक बाउंड्रीज एंड द गवर्नमेंट एक्ट्स एज द आर्बिट्रेटर। अब किस इकोनॉमी में कंज्यूमर्स को सब कुछ विद इन द बाउंड्रीज मिलता है एंड गवर्नमेंट एक्ट करता है एज एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर यानी अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करता है कौन, गवर्नमेंट। दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इनमें से कौन नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एज ए होल या एग्रीगेट्स, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, एग्रीगेट डिमांड भी है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, एग्रीगेट सप्लाई भी है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। जो आउटपुट आप फर्म है यानी इंडिविजुअल फर्म का जो आउटपुट है ये माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन 7, विच इकोनॉमिक स्टेटस व्हाट इज एंड नॉट व्हाट शुड बी। अब किस इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है व्हाट इज। अब व्हाट इज यानी क्या है या क्या था या क्या होगा, ये हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। सो ए इज़ राइट आंसर। अब व्हाट शुड बी यानी क्या हो सकता है, यहाँ पे हम ओपिनियंस की बात करते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ओपिनियंस के बारे में। क्वेश्चन 8, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस हैज इट्स स्लोप। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, अब इसका स्लोप कैसे, इसका स्लोप जो है वो कनकेव टू द ऑरिजिन है या कन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, दैट इज कनकेव टू द ऑरिजिन। सो राइट आंसर इज बी। एंड जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व आपने पढ़ा होगा, तो उसका स्लोप जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये राइट डाउन करो कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है वो कनकेव टू द ओरिजिन है, क्यों है वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो। क्वेश्चन 9, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट्स एट। अब जो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स है ये कहाँ पे, ये बस माइक्रो लेवल पे है या मैक्रो लेवल पे है, बेसिकली दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करता है। सो राइट आंसर इज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 10, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू। अब जो हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है यानी अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो हम लेबर यूज़ करें या कैपिटल यूज़ करें, अब ये जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है चॉइस ऑफ टेक्निक्स है। सो राइट आंसर इज ए। अब वी नो कि हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, यानी अगर हमने लेबर ज़्यादा यूज़ किया दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अनदर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी अगर हमने कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया दैट इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब आप कमेंट में ये राइट डाउन करो कि अगर किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव यूज़ करना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन 11, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन दे। अब जो गुड्स की क्लासिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली गुड्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, वन इज़ फाइनल गुड, अनदर इज़ इंटरमीडिएट गुड, अनदर इज़ कैपिटल गुड। अब कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है या कैपिटल है वो कैसे डिसाइड होगा, वो उस गुड के एंड यूज़ से डिसाइड होगा। अब मान लो कि अगर चिकन लिया, अगर हमने चिकन लिया सेल्फ कंजप्शन के लिए तो ये हमारे लिए फाइनल गुड है, अब अगर किसी रेस्टोरेंट ने लिया ये चिकन तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड है। सो दैट्स वाई इस गुड का एंड यूज़ क्या है उससे डिसाइड होगा कि ये गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है या कैपिटल गुड है। सो दैट्स वाई क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करते हैं, एंड यूज़ ऑफ दैट गुड। सो राइट आंसर इज ई। क्वेश्चन 12, व्हेन द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इट इंडिकेटर्स। अब मानो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो पे अगर कोई भी पॉइंट है वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि जितना इस इकोनॉमी का पोटेंशियल था उतना ही इस इकोनॉमी ने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया। अब अगर कोई पॉइंट बिलो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो से है जिसे हम इनएफिशिएंट कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जितना पोटेंशियल था उससे कम इसने प्रोड्यूस किया एक्चुअल में, यानी पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जितना इसने प्रोड्यूस किया एक्चुअल में। अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पे जिसे हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होती है,
बट अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि जितनी पोटेंशियल थी उससे ज़्यादा एक्चुअल में प्रोड्यूस किया, सो पोटेंशियल इज़ लेस देन एक्चुअल। सो अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पे बिलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट। सो राइट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इनमें से इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कौन है? ए द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बी प्राइसेस राइज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। अब जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाएगी, यानी जब बहुत ज़्यादा नोट्स जो है प्रिंट करेगी, दैट्स वाई गवर्नमेंट नहीं करती है प्रिंट बहुत ज़्यादा नोट्स, क्योंकि उससे जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी मार्केट में। सो दिस आल्सो ट्रू, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो ऑल ऑफ द अबव आर द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो राइट आंसर इज डी। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।